नमस्कार, गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज 9 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजातरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों के बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। पुरानी रंजिश में मासूम की हत्या का मामला आया प्रकाश में। घटना बैनाबाद थाना क्षेत्र के देवाताड़ की है। पुलिस मामले की कर रही है जांच। उपायुक्त ने मनरेगा योजना का किया निरीक्षण। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का दिया निर्देश। डीआरडीए डायरेक्टर ने प्रेस वार्ता कर 3 मई तक लॉकडाउन पालन करने की कही बात। छूट प्राप्त करने वाले उद्योगों को सभी शर्तों का पालन करने का दिया निर्देश। और लॉकडाउन को देखते हुए राशन बांटने का सिलसिला जारी। किड्स प्ले स्कूल और तीर्थराजी जैन समन्वय समिति ने गरीबों में बांटने के लिए दिए राहत पैकेट। अब खबरें विस्तार से। बेगाना थाना क्षेत्र के देवाटाड़ गांव में 3 साल के बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। गांव के खंडर से बच्चे का शव बरामद हुआ है। बच्चे के पिता ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है। पुरानी रंजिश के कारण 3 साल के मासूम बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना बेगाबाद थाना क्षेत्र के देवाटाड़ गांव की है। बुधवार की देर शाम बच्चे का शव गांव वाली खंडर से मिलने के बाद कोहराम मच गया। बच्चे के पिता मुशर्रफ अंसारी सूरत में मजदूरी करता है। घटना को लेकर बच्चे के दादा कासिम मियाँ ने गाँव के ही सुल्तान मियाँ और उसकी पत्नी पर बच्चे का हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाबत कासिम मियां ने बताया कि सुल्तान मियां के साथ उसका जमीनी विवाद चल रहा है। बुधवार की शाम बच्चा सुल्तान मियां के बेटे के साथ उसके घर में खेल रहा था। देर शाम जब वह नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। इसी दौरान बच्चा का मृत शरीर खंडर में पड़ा था। हमारा बच्चा जो है से सुल्तान मियां का घर में द्वार पर वहीं खेल रहा था। हम निकाले देखे 4:30 बजे बच्चा हमारा वहीं खेल रहा था। उसका पोता हमारा पोता अब 5 बजे हम इधर से देखे। हम जब सुल्तान मियां खंडर घर से निकले सबने परिवार को तो वहाँ हम जाके देखे तो बच्चा हमारा पोता मरा हुआ निकला। ऐसे हम देखे कौन कौन मारा है आपका बच्चा को? सुल्तान मियाँ पत्नी मारा है। क्या कारण था? कुछ कारण था? कारण ये था यही दुश्मनी था पहले से चल रहा था ऐसे मार दिया। कितना उम्र है बच्चा का? बच्चा का ये 3.5 साल होगा। 3 साल बच्चा 3.5 साल के लगभग होगा बच्चा। क्या चीज का दुश्मनी था आप लोग का उसके साथ? उसका साथ जमीन के बारे में रोड के बारे में दुश्मनी चल रहा था। हमको रोड नहीं दे रहा था। वो थाना से कंपटीशन लिखा के सब प्रशासन से किया वो फैसला कर दिया। हम लोग रास्ता खोल दिया वो रास्ता नहीं खोला। हमको पोता को डांटी डाल के हमारी चीज खड़ा में बिक दिया। कल 5 बजे तब ओकरी घर में बसवा खा ला ले तब आदमी मिस गलिए तब आधा घंटे में चल गलिए घूर के तब आगे घर देख लिये ओकरे घर में खिला ले 3 बुतरू वाले हमारे बैठवा ले हमारे देरा बैठवा ले यार ओकरे बैठवा ले तब इन्हें से गलिए तब ना देख लिये अपन बैठवा तो चारों कन पूरा फाजे लगा लिए। एक लड़की एक जेनी मेरे साथ में अल कर उठ गया था। वो हो गल था वो गाली कर बड़की माँ हम बैठवा ना पाओ ये खाने आने से कोरोना संकट के बीच उपायुक्त ने गुरुवार को मनरेगा कार्य का भी निरीक्षण किया। उपायुक्त ने इस दौरान मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात कही।
कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार के निर्देश के बाद मनरेगा कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। गुरुवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जमुआ प्रखंड के बलगो पंचायत के मेरको बुंडी कला एवं मेरको गुंडी खुर्द में संचालित मनरेगा योजना का वस्तु स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने TCB निर्माण कार्य, आम बागवानी योजना, कुआ निर्माण आदि का निरीक्षण किया और कार्य कर रहे मनरेगा मजदूरों को सामाजिक दूरी का अनुपालन एवं मास्क का उपयोग पर ध्यान देने का निर्देश दिया। DRDO डायरेक्टर आलोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर 3 मई तक लॉकडाउन का पालन करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में छूट मिली है वहां भी सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। DRDO डायरेक्टर आलोक कुमार ने गुरुवार को समाहरण न्यायालय सभा कक्ष में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में आलोक कुमार ने कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन इस दौरान कई उद्योगों और कामगारों को छूट दी गई है, लेकिन वहां केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा। किसी के निधन पर 20 लोग ही उनके अंतिम क्रियाक्रम के लिए जुट सकते हैं। जो भी आवश्यक वस्तुओं से संबंधित सप्लाई चेन है वो पूरे की तरह जारी रहेगी। साथ ही साथ बहुत लोगों के द्वारा जो है कर्फ्यू पास या लॉकडाउन से संबंधित मूवमेंट के लिए पास का डिमांड किया जा रहा है, लेकिन कहा गया है कि जो इंसिडेंट कमांडर लोकल लेवल पे हैं जिले के अंदर मूवमेंट के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी असामान्य परिस्थिति में वही इशू करेंगे। अंतर जिला मूवमेंट के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को ये अधिकार दिया गया है, प्राधिकृत किया गया है, और अंतर्राज्यीय मूवमेंट के लिए जो है उपायुक्त के स्तर पर ही इस तरह की पास निर्गत किए जाएंगे, लेकिन ये जरूरी होने पर और अति आवश्यक होने पर ही जारी किए जाएंगे, ताकि लॉकडाउन का जो उद्देश्य है वो हमारे ज़िले में हम लोग बरकरार रख सकें। साथ ही साथ लोग से ये भी अपील करना चाह रहे हैं कि लोग घरों पे रहें, लॉकडाउन की स्थिति में रहें, ताकि हम इस कोविड-19 से जो है पूरी तरह रोकथाम हम लोग इस ज़िले में कर सकें और जितना जल्दी हो सके हम लोग स्थितियाँ या परिस्थितियाँ सामान्य हो। साथ ही साथ कृषि संबंधित कार्य, डेयरी से संबंधित कार्य, पशुपालन से संबंधित कार्य को छूट दिया गया है। पशु चारा वगैरह की दुकानें या एसेंशियल फूड आइटम्स, फार्मास्यूटिकल आइटम, कीटनाशक बीज वगैरह जो है वो सारी, या फर्टिलाइजर वगैरह की मूवमेंट वगैरह में स्टॉक उसमें जो छूट दिया गया है। विनिर्माण के क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो चाहे उद्योग अगर हैं तो वो अपनी काम को शुरू कर सकते हैं, चाहे वो संरचनात्मक विकास से संबंधित है, रेल का, गेल इंडिया का या नेशनल हाईवे का या पावर ग्रिड का काम है वो अपना जारी रख सकते हैं। नेशनल हाईवे के जो टायर की दुकानें हैं, गाड़ियों की दुकानें वो खोल सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का हर हालत में पालन करना है, सैनिटाइजर वगैरह का, मास्क वगैरह का प्रयोग करते हुए अपने कार्यों को जो छूट दिए गए हैं, जो गृह मंत्रालय भारत सरकार की जो एडवाइजरी है और जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन करते हुए लॉकडाउन को अभी 3 मई तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना में जरूरतमंदों के मदद के लिए किड्स जोन ए प्ले स्कूल की प्राचार्या भी आगे आई है। उन्होंने उपायुक्त को गरीबों के मदद के लिए 200 पैकेट आटा सौंपा। वैश्विक महामारी कोरोना में जरूरतमंदों के मदद के लिए सक्षम लोग सामने आ रहे हैं। शिक्षा जगत से किड्स जोन ए प्ले स्कूल की प्राचार्या डॉक्टर पायल वर्मा भी आगे आई। गुरुवार को उन्होंने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को जरूरतमंदों के मदद के लिए 200 पैकेट आटा सौंपा। इस दौरान उन्होंने सभी शहरवासी को इस कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है।
हमारे भारत में और के साथ साथ विश्व में जो ये कोरोना महामारी जो चल रही है, उससे हमने निजात पाने के लिए सबसे पहले तो हमें सरकार का साथ देना होगा। और वो हम साथ तभी दे सकते हैं कि उनके निर्देशों का पालन हम करें। और सबसे पहले तो ये है कि हम साथ देंगे तभी इस वैश्विक महामारी से हम बच सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें। अनावश्यक हम लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे भीड़ से और ये महामारी फैल सकती है। जो भी सार्थक लोग हैं, समर्थ लोग हैं, उनको बाहर आकर के कुछ ना कुछ गरीबों के लिए करना चाहिए। जैसे मैंने आज 200 पैकेट आटा का वो मैंने गरीबों के लिए दिया है। और मैं सभी गिरिडीहवासियों को भी कहना चाहती हूँ, वो सरकार का साथ दें, पुलिस का साथ दें, डॉक्टरों का साथ दें, तभी हम इस महामारी से निजात पा सकते हैं। कोरोना संकट को देखते हुए गरीबों के सहयोग के लिए उपायुक्त के अपील पर कई संगठन मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तीर्थराज श्री शिखर जी जैन समन्वय समिति ने 500 पैकेट खाद्य सामग्री उपायुक्त को सौंपा है। कोरोना संकट को देखते हुए गरीबों और जरूरतमंदों के सहयोग के लिए उपायुक्त के अपील पर कई संगठन मदद के लिए आगे आ रहे हैं। गुरुवार को तीर्थराज श्री शिखर जी जैन समन्वय समिति ने भी गरीबों और जरूरतमंदों के लिए 500 पैकेट खाद्य सामग्री उपायुक्त को सौंपा। इसके अलावा समिति द्वारा 1000 मास्क, 50 बोतल सैनिटाइजर भी अन्य प्रखंडों में प्रभावित लोगों को बांटने के लिए दिया। जैन समन्वय समिति जो दिगंबर सितंबर समुदाय की एकता का प्रबल संगठन है, मधुबन में विभिन्न संस्थाएं हैं सितंबर दिगंबर की, उनका ये संयुक्त संगठन है और इसमें हम लोग वहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसके लिए हम लोग काम करते हैं लगातार। वहाँ पे आसपास गांव जो भी गांव है उसमें जीवनोपयोगी उनकी आधारभूत सुविधा को बढ़ाने के लिए ये संगठन काम करता है। और अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चपेट में और प्रभावित जो भी लोग हैं उनको सादर सहयोग देने के लिए हमने कुछ खाद्य सामग्री दी है जिला प्रशासन को। उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो जरूरतमंद लोगों के पास में पहुंचे। श्री कबीर ज्ञान मंदिर द्वारा कोरोना संकट को देखते हुए मध्याह्न भोजन का शुभारंभ माँ ज्ञान प्रसादम के रूप में किया गया। महापौर, उपमहापौर और सीओ ने प्रसाद ग्रहण कर इसका शुभारंभ किया। कोरोना महामारी को देखते हुए श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट लगातार जरूरतमंदों की मदद में जुटा है। अब कोरोना संकट को देखते हुए माँ ज्ञान के निर्देश पर मध्याह्न भोजन का शुभारंभ माँ ज्ञान प्रसादम के रूप में किया गया। महापौर सुनील पासवान, उपमहापौर प्रकाश राम, सीओ रविंदर सिन्हा ने माँ ज्ञान का प्रसाद ग्रहण कर इसका शुभारंभ किया। इसके बाद सभी ने मिलकर माँ ज्ञान प्रसादम का वितरण प्रसाद ग्रहण करने आए लोगों के बीच किया। इस दौरान सभी ने श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य की प्रशंसा भी किया। आज सीओडी सिरसिया के ग्रामीणों के बीच माता ज्ञान की ओर से, कबीर आश्रम की ओर से लॉकडाउन में फंसे हुए वैसे जो बराबर दैनिक मजदूरी करके अपना घर का जीवन यापन कर रहे थे, वैसे गरीब परिवार के बीच में आज कबीर आश्रम के तरफ से पहले भी खाद्यान्न का वितरण किया गया है। और आज से आरंभ हुआ मध्याह्न भोजन का, जिसमें कि हम लोगों ने आज शुरुआत किया, जिसमें हमारे डिप्टी मेयर साहब, सीओ साहब, एमओ साहब, हमारे समर्थ वार्ड पार्षद और सभी कबीर ज्ञान मंदिर के स्वयंसेवी साथीगण सबके सहयोग से आज से शुभारंभ हुआ, जो लगातार जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक यहाँ पर गरीबों के लिए प्रसाद के रूप में, मध्याह्न भोजन के रूप में खिचड़ी की उपलब्धता रहेगी। कोविड-19 के निमित्त लॉकडाउन के कारण जैसा कि अभी पूरे नगर में और कई परिवार ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं और लॉकडाउन के कारण उसको आज भूख से मरने की स्थिति आ गई है,
ऐसी स्थिति में प्रशासन के द्वारा और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं, जब तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही है और उसी कड़ी के रूप में आज कबीर आश्रम के द्वारा भी खिचड़ी का मध्याह्न भोजन के माध्यम से खिचड़ी और खिलाने का काम आज से प्रारंभ हुआ है। इसके पहले भी 1500 लोगों के बीच और अनाज का वितरण कबीर आश्रम के द्वारा हुआ है। आज के इस वैश्विक महामारी कोरोना जो है, इसके अंतर्गत पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड के साथ हमारा देश में ये कोरोना महामारी जो फैल रहा है, इसमें कई जो है दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज़मर्रा काम करते हैं, उनको दिक्कत हो रही है, खाने पीने की दिक्कत हो रही है लॉकडाउन के कारण। इसमें प्रशासन तो मदद कर रहे हैं, लोगों के साथ साथ जो संस्था हैं, जो निजी संस्था हैं, वो भी मदद कर रहे हैं, वो धन्यवाद के प्राप्त हैं। इसी के अंतर्गत कबीर ज्ञान मंदिर की तरफ से पूर्व में जो राशन वितरण किया गया है और आज ये शुभारम्भ में जो किया गया है खिचड़ी का, कि ये जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक खिचड़ी लोगों को खिलाया जाएगा, जो इसके लायक हैं, जो मजदूर हैं जिनको नहीं मिल रहा है, ये बहुत धन्यवाद के पास। वहीं इस मौके पर ट्रस्ट के साध्वी ने कहा कि माँ ज्ञान के दिशा निर्देश पर इस संकट काल में कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा लगातार सेवा भाव से कार्य किया जा रहा है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के दौरान कई चरणों में बृहद रूप से जरूरतमंद क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण और जीवन उपयोगी सामग्रियों का भरपूर वितरण किया गया। तत्पश्चात सद्गुरु मां ने यह निर्देश दिया, उनके आदेश के अनुसार आज से माँ ज्ञान प्रसादम के नाम से बने हुए भोज्य सामग्री प्रसाद का वितरण आरंभ हुआ है, जिसके द्वारा आसपास के लोग भूखे ना रहें इस लॉकडाउन की अवधि में इसका प्रयास किया जा रहा है। और सद्गुरु माँ की का यह इच्छा है या मनसा है कि जितने भी जो भी हैं वे उनके संपर्क में जो जरूरतमंद व्यक्ति हो वे अपने आसपास के क्षेत्रों में अवश्य ध्यान दें। कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सद्गुरु माँ ज्ञान के आज्ञानुसार विगत लॉकडाउन की अवधि में लगभग 1500 परिवारों के बीच खाद्यान्न और जीवन उपयोगी सामग्रियों का वितरण किया जा चुका है और सद्गुरु माँ के निर्देशानुसार आज से मध्याह्न भोजन का शुभारंभ किया गया माँ ज्ञान प्रसादम के नाम से। इसमें इसका उद्देश्य है कि वैसे व्यक्ति जो बाहर के रहने वाले हैं और उनको भोजन के लिए दिक्कत हो रहा है, उनको भोजन मिल सके, तथा वैसे परिवार जो भोजनाभाव से जूझ रहे हैं, दैनिक मजदूरी करके जीवन यापन करते थे, वैसे परिवारों को एक समय का भोजन उपलब्ध हो सके। इस मौके पर स्थानीय वार्ड पार्षद अशोक राम, सोमर मरंडी, अजय रजक व ट्रस्ट परिवार के कार्यकर्ता मौजूद थे। लॉकडाउन में समाज सेवियों द्वारा राहगीरों और पुलिस जवानों के बीच जलपान की व्यवस्था की जा रही है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल गुप्ता ने पुलिस जवानों के बीच जलपान का वितरण किया। वहीं सीओडी के कई समाज सेवी राहगीरों और वाहन चालकों को भोजन करवाने में जुटे हैं। लॉकडाउन में समाज सेवियों द्वारा राहगीरों और ड्यूटी में तैनात पुलिस जवान तक राहत कार्य पहुंचाया जा रहा है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल गुप्ता ने गुरुवार को ड्यूटी में तैनात जवानों के बीच भोजन और पानी का वितरण किया। इस कार्य में विनय खेतान, दीपक साहा, रंजित भदानी आदि जुटे हुए हैं। इस कोरोना महामारी के लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो हम लोग से आग्रह और विनती कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं, हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं, हमारे गांव के लिए कर रहे हैं, हमारे शहर के लिए कर रहे हैं, हमारे राज्य के लिए कर रहे हैं, और उनके बात को हम लोग नहीं मानकर हम लोग बेवजह कुछ लोग घर से निकल जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं और इसका बचाव सिर्फ यही है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी तक किसी तरह का कोई दवा कोरोना का नहीं निकला है। चीन ऐसा देश में भी आज जहां कंट्रोल कर लिया है, यही सब चीज़ों को लेकर मेंटेन किए हुए है, ना कि कोई दवा निकाले हुए है। और हम पूरे शहरवासियों से, पूरे राज्यवासियों से, पूरे देशवासियों से, अपनी ओर से, अपने नगर निगम की ओर से सभी से विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ
कि इस कोरोना महामारी में आप खुद बचें, परिवार को बचाएं, शहर को बचाएं। इधर सीओडी का सामाजिक कार्यकर्ता भी इस कोरोना काल में एक संगठन बनाकर रोजाना राहगीरों वाहन चालकों को भोजन करवा रहे हैं और उनके बीच मास्क का भी वितरण कर रहे हैं। इस कार्य में सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश सिंह, प्रकाश साव, धर्मवीर कुमार, विशाल कुमार, सुभाष कुमार आदि जुटे हुए हैं। हम लोग सीओडी निवासी माल वाहन चालकों का खाना के फूल खलासी को खाना देने का वितरण किए हुए, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग सिलसिला जारी रहेगा। कोरोना काल में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री बांटने का सिलसिला जारी है। केसरवाने वैश्य समाज और दारुल कजा इमारत सरिया द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। वहीं तीसरी में समाज सेवी रिंकू बर्नवाल ने भी गरीबों के बीच राहत सामग्री बांटी। कोरोना वायरस कई संकटों को साथ लाई है, लेकिन सेवा भाव के कारण ये बड़ी जंग आसान होता जा रहा है। कोरोना संकट में लोग एक दूसरे का मदद कर किसी को भूखे नहीं सोने दे रहे हैं। केसरवाने वैश्य समाज ने भी इस कोरोना संकट को देखते हुए गरीबों और जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। मौके पर समाज के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। आज केसरवाने वैश्य समाज की ओर से हम लोगों ने भी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज वितरण करने का निर्णय केसरवाने समाज ने लिया। गिरिडीह केसरवाने समाज द्वारा नगर, शहर और देहात ग्रामीण में ये खाद्य सामग्री का बांटने का कार्यक्रम सभी के द्वारा से हो रहा है। गिरिडीह जिला केसरवाने वैश्य सभा ने कोरोना महामारी को देखते हुए, जहां लॉकडाउन में आज सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, वैसे स्थिति में वो गरीब तबके के लोग जो आज बाजार तक जाकर राशन नहीं ले पा रहे हैं, सरकार की सुविधाएं मिल रही है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे निम्न वर्ग के परिवार हैं जिनको आज जीवन यापन करने के लिए भोजन की काफी कठिनाई हो रही है। ऐसे समय में गिरिडीह केसरवाने वैश्य सभा ने यह निर्णय लिया और घर घर जाकर वैसे गरीब लोगों के तक भोजन की सामग्री उपलब्ध कराने का ये जो बीड़ा उठाया है, जिसमें समाज के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यगण एवं गिरिडीह जिला केसरवाने वैश्य समाज के हर एक घर ने आगे बढ़कर दान स्वरूप अपना ये योगदान दिया है। इधर दारुल कजा इमारत सरिया द्वारा भी रोजाना 50 लोगों को चिन्हित कर खाद्य सामग्री बांटने का सिलसिला जारी है। जिला काजी शमसुल हक ने कहा कि मुसीबत के समय सभी को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। इस कार्य में इमारत सरिया के सैयद इकबाल, मोहम्मद खुर्शीद, मोहम्मद सादाब, मोहम्मद फिरोज जुटे हैं। हमारे मुल्क की जो अभी सूरत हाल है और इस मौके से पूरे मुल्क में लोग परेशान हाल हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो रोज़ाना कमाते और खाने वाले हैं, उनकी यहाँ बहुत परेशानी है। तो यहाँ दारुल कज़ा इमारत शरिया भंडारी डी गिरिडीह के ज़रिए हमारे नौजवान मिलजुल कर हम सब लोग ने मशवरा किया और ये तय किया कि हमारे यहाँ जितने भी गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए। तो इसकी शक्ल हम लोगों ने ये इख्तियार की कि रोज़ाना तकरीबन 50 लोगों को हमारे नौजवान उनके घर जाते हैं और उनके घर जाकर उनको सामान पहुंचाते हैं और किसी की कोई तस्वीर नहीं ली जाती। ये इसलिए कि बसा औकात ऐसा होता है कि आजकल लोग ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा सामान बांटा और उसको खूब वायरल किया और हाँ इसलिए हम और उसको शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन बेचारा मजबूर होता है, अपनी इज़्ज़त नफ्स को बेच कर जो है हालात से मजबूर होकर वो सामान को लेता है। इसलिए हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हमारे नौजवान रात के वक्त में जाते हैं, लोगों को मुतय्यन करते हैं पहले से कि भाई जो जो ज़रूरतमंद है उनको दिया जाए और रोज़ाना तकरीबन 5 तारीख से ही ये सिलसिला चला है, हर रोज़ हम लोग तकरीबन 50 लोगों को जो है अनाज देते हैं। तो जो ज़रूरियात के सामान हैं वो हम लोग पहुँचाते हैं और घर घर जाकर, और हमारी ये अपील है तमाम लोगों से कि खुदा के वास्ते आप जिन लोगों की मदद कर रहे हैं आप उनकी तस्वीर को लेकर वायरल ना कीजिए, उनको शर्मिंदा ना कीजिए, ये वक्त है कि आप उनकी मदद करें। वही तीसरे प्रखंड के तीसरी पंचायत में समाज सेवी रिंकू बर्नवाल ने भी टेम्पू, ट्रैक्टर, ठेला चालकों और गरीबों और असहाय लोगों के बीच राशन पैकेट का वितरण किया। मौके पर विकास गुप्ता, संतोष गुप्ता, जसवंत सिंह, बिट्टू कुमार, चंदन बर्नवाल आदि मौजूद थे। राशन सामग्री दिया गया और इस वैश्विक महामारी में गरीबों को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है राशन में,
जहाँ तक कोशिश हुआ हम अपने तरफ से देने का काम किए हैं। इससे आगे हर मोहल्ला व मोहल्ला दिया जाएगा, जैसे इसके बाद कल चिलगिली में, उसके बाद भुटवरिया, आपका गमरिया टाड़, केवटा, सब जगह हर दिन बांटा जाएगा। ये तो हमारे आज का, फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।